जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मोशन एंड फोर्स चैप्टर 3 में नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी क्या होती है बेटा? द टाइम रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी with respect to time card velocity, right? इसका बेटा सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल बेटा होता है v होता है, स्मॉल v लिखेंगे और ऊपर हम एक वेक्टर एरो लगाएंगे, ये इसका है सिंबल, बोलेंगे इसको वेलोसिटी। वेलोसिटी बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? मतलब इसकी मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन भी होगी। इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? स्पीड होगी। और डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन अलोंग द डिस्प्लेसमेंट होगी, राइट? मैग्नीट्यूड इज स्पीड, राइट? स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूंगा। फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं होगा, जस्ट ये इतना डिफरेंस है कि स्पीड में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं कि इतने किलोमीटर पर हार है या इतने मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी है, स्पीड है। तो जब अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो हमें उसकी डायरेक्शन के बारे में भी बताना पड़ेगा, ठीक है जी? और इसका सिंबल मैंने आपको बता दिया और इसका यूनिट डिस्कस कर लेते हैं। इसका यूनिट हमारे पास है यूनिट मीटर पर सेकंड या ms-1, इसको भी हम मीटर पर सेकंड बोलेंगे, इसको भी मीटर पर सेकंड बोलेंगे, राइट? और इसकी डायमेंशंस देख लेते हैं हम। डायमेंशन इसकी होगी, मीटर को हम लेंथ में मेजर करते हैं, राइट? और सेकंड को टाइम में, L(t-1) और इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे, ये इसकी डायमेंशंस होंगी, राइट? तो ये है इसकी वेलोसिटी। आमतौर पर हम एवरेज वेलोसिटी लेते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास? क्योंकि आमतौर पर जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं रहती किसी भी बॉडी की, तो हम उसको एवरेज वेलोसिटी लेते हैं। तो इसमें हम कहेंगे द टोटल लेंथ कवर्ड बाय टोटल टाइम, द टोटल लेंथ, द टोटल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी बाय डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन कार्ड एवरेज वेलोसिटी, राइट? एवरेज वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है? इसको हम लिखते हैं v और स्मॉल में a v छोटा से लिखते हैं, ऊपर हम वेक्टर एरो लगाते हैं, तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा, हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास d होगा, d2-d1 ओवर t2-t1, तो हमारे पास डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी, ठीक है जी? तो ये जो वेलोसिटी है इट्स अ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स डिवाइडेड बाय स्केलर क्वांटिटी, सो वेलोसिटी इज आल्सो इटसेल्फ इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? अब हम इसकी लिमिटेशंस डिस्कस कर लेते हैं कि लिमिटेशंस क्या होती हैं इसकी ऑफ एवरेज वेलोसिटी।
ये एवरेज वेलोसिटी हमें ये नहीं बताएगा कि आपका पाथ जो है वो स्ट्रेट लाइन है या कर्व्ड है, इसने टोटल डिस्टेंस ले लेना है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, तो ये हमें ये नहीं बताएगा। और ये हमें ये भी नहीं बताएगा कि आपकी जो स्पीड थी वो यूनिफॉर्म है या फिर चेंज हो रही है, ये भी हमें नहीं बताएगा। दूसरी इसकी लिमिटेशन ये है कि हमें ये नहीं बताएगा कि आपकी जो वेलोसिटी है वो स्टेडी होगी या वेरिएबल होगी। स्टेडी का मतलब यूनिफॉर्म, राइट। पाथ इज स्ट्रेट लाइन, आर कर्व्ड, वेलोसिटी इज स्टेडी, आर यूनिफॉर्म, स्टेडी आर वेरिएबल, सॉरी, ये इसकी लिमिटेशंस है, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी में अगर हम जो डेल्टा टी है हमारे पास, इसको अगर हम स्मॉल कर दें, कितना स्मॉल करें, इतना स्मॉल कर दें, इतना स्मॉल कर दें कि वो जीरो को अप्रोच करे, तो उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो उसकी वेलोसिटी होगी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। उर्फ आम में अगर हम देखें डेली जिंदगी में, हमारी डेली लाइफ में, तो हमारी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं रहती, वो चेंज होती रहती है। अगर आप यहाँ से अपने घर से अगर कॉलेज जाना चाह रहे हैं, बाजार जाना चाह रहे हैं, तो आपकी जो स्पीड होगी वो भी चेंज होगी और आपकी डायरेक्शन भी चेंज होगी, तो वेलोसिटी कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होती है। तो इस केस में हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू लेते हैं, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी लिखता हूँ डेफिनेशंस। वैल्यू ऑफ डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी एज द टाइम इंटरवल डेल्टा टी अप्रोचेस टू फॉलोइंग द टाइम टी टी अप्रोचेस टू जीरो जीरो कार्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। राइट। इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे कैसे? VINS मतलब इंस्टेंटेनियस बराबर होगा, लिमिट लगा देंगे डेल्टा टी जो है वो अप्रोचेस टू जीरो हो, राइट, डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी, राइट। मतलब ये है कि लेट्स सपोज मेरे पास अगर जो ये मेरे पास लास्ट टाइम ग्राफ था, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज ओरिजिन ओ, दिस इज द पाथ विच आर बॉडी कवर, राइट, दिस इज अ पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी, दिस इज आर ए, दिस इज आर बी, राइट, एंड दिस वॉज द डिस्टेंस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट था टी डेल्टा डी, जो बराबर था आर टू माइनस आर वन, राइट, ये इसके बराबर था जी। इसमें हमारे पास जो है, अगर बी पॉइंट जो है ए पॉइंट के बहुत ही करीब आ जाए, कितना करीब है, ऑलमोस्ट उसके करीब आ जाए, तो डेल्टा डी क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो उस दौरान जो वक्त का जो दौरानिया होगा वो भी क्या हो जाएगा, बहुत स्मॉल हो जाएगा। उस थोड़े से डिस्प्लेसमेंट में जो टाइम इंटरवल जो डेल्टा टी था वो कितना हो जाए, वो जीरो को अप्रोच करे, मतलब जीरो हो ना, बल्कि जीरो को अप्रोच करे, मतलब जैसे हम कहते हैं पलक झपकने में, तो पलक झपकने में डेल्टा टी क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा। कितना स्मॉल होगा, एज अप्रोचेस टू जीरो, एज कंपेयर टू द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई अ बॉडी, राइट। तो
तो ये जो डेल्टा टी जो प्रोसेस टू जब जीरो होगा तो उस वक्त जो वेलोसिटी उसकी होगी, मतलब एक लम्हे में, मिसाल के तौर पर अगर आप किसी भी गाड़ी के मीटर का, अगर आप मीटर को की नीडल को अगर आप चेक करें तो फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी भी कांस्टेंट नहीं होती, शायद कभी कांस्टेंट हो जाए लेकिन वो दुरानियत क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है, ठीक है जी। तो अगर आप गाड़ी के मीटर का अगर आप फोटो लें तो उसमें क्या होगा, जिस वक्त आपने उस मीटर का फोटो लिया उस वक्त वो नीडल जो उसकी वैल्यू रीडिंग जो बता रहा होगा वो उस वक्त उस इंस्टेंट की वो वेलोसिटी हो स्पीड होगी, राइट। लेकिन अगर उसी वक्त आप उसको फोटो लेने के बाद दोबारा अगर आप मीटर को देखें तो उसकी वैल्यू चेंज हो चुकी होगी। तो हो सकता है बेशक पॉइंट्स में चेंज हो जाए, चेंज जरूर होगी, राइट। तो कभी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होती किसी भी बॉडी की, चेंज होती रहती है, बेशक बहुत मिन्यूट सी उसमें चेंज आए, चेंज लाजमी आता है। तो हम अगर इंस्टेंटेनियस को डिस्कस कर रहे हैं तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो वेलोसिटी उसकी जो होगी वो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी, राइट। सो दिस इज अ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट। जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो जीरो कभी भी नहीं हो सकती जबकि एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है। पहला पॉइंट नोट करें, एवरेज वेलोसिटी मे बी जीरो, वी एवरेज, बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बट वेलोसिटी नेवर बी जीरो। एवरेज वेलोसिटी कब जीरो हो सकती है जी? एवरेज वेलोसिटी जो है वो तब जीरो हो सकती है जब आप एक बॉल को फेंकते हैं तो वो दीवार से टकराकर वापस अगर उसी पोजीशन पे आ जाए तो एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, मतलब डी टू माइनस डी वन जीरो हो जाएगा आपका। तो डी टू माइनस डी वन जीरो होगा अगर आपका आर टू माइनस आर वन, तो आपका वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं होगी, वो तो किसी भी इंस्टेंट में उसकी वैल्यू बताएगा। नेक्स्ट पॉइंट नोट करें जी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउ एवर द स्मॉल इंटरवल मे बी द बॉडी इज मूविंग विद फॉर्म वेलोसिटी। ठीक है जी, इसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है जी। इसकी एक और डेफिनेशन भी है, वो डेफिनेशन इसकी ये है कि अगर इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी है बॉडी की वो बराबर हो जाए वी एवरेज के, तब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी। इसका मतलब भी समझ लें, मतलब पहले इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मैंने वेलोसिटी जो मैंने उसको पहले इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो वेलोसिटी थी वो 10 मीटर पर सेकंड थी, दूसरे इंस्टेंट ऑफ टाइम पे भी कितनी थी 10 मीटर पर सेकंड, दसवें सेकंड में भी मैंने देखा तो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या थी 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है, तो 10 10 10 10 डिवाइडेड बाई टोटल, लेट्स सपोज 4 सेकंड में मैंने उसको वैल्यू डिटेक्ट की, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो 10 10 10 एंड 10 40 हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाई 4 क्या हो जाएगा 10 एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर आई, तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी आपकी क्या है, यूनिफॉर्म है। इधर आपको ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा बेटा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नीचे बेल आइकॉन जो है उसको भी क्लिक कर दें ताकि हमारे लेक्चर्स आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।